बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर सुन सुन के काफ़ी बोर हो चुके होंगे, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाता हूँ। व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलें फर्स्ट ट्राई। तो आज 14 अगस्त 2023 है और जो है वो बच्चे मना रहे हैं आज़ादी बाजों के साथ। वैसे हम अपने बचपन में इस तरह से बाजे नहीं बजाते थे, लेकिन अपने घरों को झंडियों से लाजमी सजाते थे और बारिश भी आती थी। 14 अगस्त वाले दिन बारिश तो लाजमी आती थी। आज भी मौसम वैसे तो काफ़ी गर्मी थी, अब ज़रा बेहतर हो गया। व्लॉग में बैकग्राउंड म्यूज़िक बच्चे ऐड कर रहे हैं। वैसे ऐसे मौके पे मैं कहीं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन घर वालों ने कहा है कि एम्पोरियम मॉल में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है, तो फिर हम एम्पोरियम मॉल चलते हैं। आज बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। इससे पहले कि बारिश जो है वो तेज़ हो जाए, तो हम चलते हैं एम्पोरियम मॉल। रास्ते में मैं ज्वाइन कर लिया है फैजान ने, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी बिल्कुल, और अब आगे हम रवाना होने लगे। ये पार्किंग में लगाई मोटरसाइकिल, और लगाने से पहले मोटरसाइकिल पंचर हो चुकी है, यानी कि अब वापसी पे जलील होना पड़ेगा। फैमिली डे आज, और बहुत ही ख्वारी के बाद एंटर हो रहे हैं। राशि यहाँ पे देखें कितना, और लोग एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं, और सबसे पहले यहाँ पे मज़ारे कायद, उसके साथ पाकिस्तान मोनोमेंट, और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया। इसी तरह यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान के बैक पे बाबे खैबर है, जो कि ये फुल व्यू, और इसके अलावा और बादशाही मस्जिद काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई है। वैसे इस टाइम रश निस्बतन कम है, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है। बच्चे भी सब इंजॉय कर रहे हैं, और सब आज़ादी मना रहे हैं, और कुछ आज़ाद तरीके से मना रहे हैं आज़ादी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, बल्कि उससे ऊपर हमने सेकेंड फ्लोर पर जाना है कुछ खाने के लिए। और ज़्यादातर लोग वैसे जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो सिर्फ़ इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, शॉपिंग करने तो मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई 10% लोग आए होंगे। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का व्यू, इसी तरह इसके ओपोजिट साइड पे भी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे मज़ार कायद, और उसके साथ पाकिस्तान मोनोमेंट का व्यू। सब लोग वैसे यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए आए हुए हैं, जस्ट लाइक मी।
इसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट पे पहुंच गए और वहां पे सिटिंग में काफ़ी रश के बावजूद हमें खुशकिस्मती से फौरन ही बैठने के लिए जगह मिल गई। और ऑर्डर देने के बाद ऑलमोस्ट हमें 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा और 15 से 20 मिनट में हमारा ऑर्डर फाइनली रेडी हो गया। और जैसे ही हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ, खाना खाने के बाद हम फौरन ही वापसी के लिए निकल पड़े। अब हम वापसी के लिए निकलने लगे हैं। पहले बाइक का इशू सॉल्व करेंगे और उसके बाद घर के लिए रवाना होंगे। ट्यूब चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा इंतहा का रश। फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और ये फ्लैग देखें, इसको कहाँ पे एडजस्ट किया है ये देखें ज़रा। फाइनली वी आर बैक और मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन बच्चों के बाजे अभी तक नहीं बंद हो रहे, देखें ज़रा। ये वो देखें, अंकल भी डांट रहे हैं इनको, बाजे इधर आओ, ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो यार। आज क्या दिन है, बाजे क्यों बजा रहे हो? 15 अगस्त इंडिया आज़ाद हुआ भाई, 14 अगस्त इंडिया की खुशी, आज़ाद होने की खुशी है आपको, पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी। शुक्र करें इंडिया हमसे आज़ाद हुआ, नहीं तो इंडिया की भी पाकिस्तान जैसी हालत होनी थी। अच्छा तो वैसे हम आज़ाद, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। अच्छा आज़ाद है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। अच्छा तो ये बाजा बजाना ज़रूरी है, ये इसके बगैर आज़ादी नहीं सेलिब्रेट हो सकती, ये बाजा बजाना फ़र्ज़ है। और बच्चों का ये कहना है कि अगर जो हुक्मरान है वो मुल्क की बैंड बजा देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम बाजा बजा रहे हैं। हाँ जी बेचारे, बाजे बजाने से क्यों मना कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आज का व्लॉग एंड करते हैं और आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फ़र्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा और फर्दर व्लॉग्स बनाने चाहिए और या व्लॉग्स के लिए सेपरेट चैनल बनाना चाहिए या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएँ। फिर मानेला।